हेलो दोस्तों, आप लोग इंस्टाग्राम पे इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो बहुत सारा देखे होंगे और फिर इस तरह का वीडियो जो बनाते हैं उस पेज पे आप फॉलोअर भी बहुत सारा देखे होंगे। फॉलोअर देख के आपका भी हौस गुम हो जाता है क्योंकि आप देख खुद से देख सकते हैं मोटिवेशनल पेज पे कितना कितना फॉलोअर है। पर आप लोग भी अगर बनाना चाहते हैं इस तरह का वीडियो और फिर आप लोग को बनाना नहीं आता, किस तरह से बनाया जाता है, आप लोग कन्फ्यूजन में हैं, तो हम आपको इस वीडियो में बताएं कि आप लोग इस तरह का एडिट करके कैसे इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं और फिर आपका भी पेज ग्रो होगा और फिर आप भी रुपया कमा सकते हैं, भी बहुत सारा रुपया। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं अगर 1 लाख फॉलोअर है, एक प्रमोशन का अगर वो 500 ही रुपया लेगा तो वो कितना ज़्यादा रुपया कमा सकता है पर मंथ का, तो वो 10 से 15 हज़ार ईजिली कमा लेगा। और फिर 1 लाख तो नहीं, बहुत सारा फॉलोअर आता है, आप लोग खुद देख सकते हैं। और फिर प्रमोशन का बहुत ज़्यादा करना, तो आपको एडिट करने के लिए 2 एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। एक एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब और फिर दूसरा का नाम है इनशॉट। ये दोनों एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर चलिए सबसे पहले आपको पिक्सल लैब में जाना, अब फिर वहाँ पर क्या करना है ये चीज़ आप समझ जाइए। यहाँ पर आने के बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं, एक मिनट। आपको न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले इमेज का साइज सेलेक्ट कर लेना है। इमेज का साइज में जाने के बाद इमेज का साइज पे क्लिक करेंगे आप, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप समझिए 1080 और फिर इसमें 1920। ये करने के बाद आपका इमेज का साइज सेलेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, इमेज का कलर को चेंज कर देना है बैकग्राउंड का, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कलर पर क्लिक करना है और फिर ब्लैक कलर कर देना है, फुल ब्लैक। तो चलिए हम फटाक से कलर को इसको ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कर दिए। अब आपको क्या करना है, इसमें अपना जो भी बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाना चाहते हैं कोट के पीछे, तो उसको प्लस पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे जा करके आप अपना कोट लग बैकग्राउंड इमेज चूज़ कर लीजिए, जैसे कि हम ये इमेज को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। इसको क्लिक कर लिए और फिर इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे जो भी हमको साइज चाहिए, इस तरह से कर लिए। अब आपको एक साइड वाला ब्लैक कलर का फ़ोटो मिल जाएगा, PNG मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इसको लगा देना फ़ोटो के ऊपर, ताकि आपका जो भी आप लिखिएगा वो आपका सही से विजिबल हो पाए। अब आपको क्या करना है, इतना सारा चीज़ कर लिए, अब आपका जो भी कोट है, जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं उसको आप पहले से या तो नोट में लिख के रख सकते हैं और फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ मेरा, तो इसको हम कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाना फिर से प्लस में और फिर यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर दिए, ओके पे क्लिक कर देंगे, एक मिनट, ओके पे क्लिक करना है। ये जो कि मेरा पेस्ट हो चुका, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप बहुत सारा वीडियो में देखे होंगे कि कुछ कुछ वर्ड का कलर अलग रहता है, ठीक है। अब उस कलर को किस तरह से आपको चेंज करना है, उसको चेंज करने के लिए आपको इधर जाना है, एक मिनट, इधर ए पे क्लिक करने के बाद आपको इधर आना, यहाँ पे देख लीजिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है, कलर पर क्लिक कर देना। कलर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सबसे नीचे जाना, यहाँ पर देखिए आपको वर्ड सेलेक्ट करने का आ गया, तो जो भी वर्ड आपको कलर चेंज करना जिस भी वर्ड का उसको सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ पे ऊपर पे आपको कलर आ रहा है तो उसके बाद कलर पे हमको क्लिक कर देना, जो भी कलर हमको लगाना है, जैसे कि हमको येलो कलर लगाना है डिग्री पे और फिर लगाना है तमीज पे लगाना है, फिर येलो कलर फिर से लगा दिया और फिर जरूरी पे भी येलो कलर लगाना है, तो फिर से हम यहाँ पर जरूरी को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर और फिर येलो कलर लगा दिए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरा कलर इसमें ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा जो कि बन गया, फ़ोटो तो बन गया, अब इसको वीडियो में कन्वर्ट करना इन लोगों की तरह, जो लोग ये लोग जो कि वीडियो ऐसे इस तरह से सेक होता है और फिर इसको इंस्टाग्राम पे डाल देना। तो पहले इस फोटो को हम सेव कर लेंगे, सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक करके सेव कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, इनशॉट एप्लीकेशन में जाना है, ठीक है। इनशॉट में जाना, इनशॉट में अब आपको क्या करना है ये चीज़ आप देख लीजिए, वीडियो पे क्लिक करना है, क्या करना है प्लस पे क्लिक कर देना, न्यू पे क्लिक करेंगे और फिर वो वाला फ़ोटो आ जाएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो मेरा आ चुका है। अब इस पिक पे क्लिक करेंगे और फिर इधर जाना, आपको यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ जाएगा फिल्टर, इस पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर फिल्टर पर जाने के बाद इफेक्ट आपको नज़र आएगा, इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ग्लिच पर जाना है। ग्लिच पर यहाँ पर देखिए आप जिस भी तरह का फ़ोटो बनाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए उसी तरह से सेक हो रहा है जिस तरह से उन सब वीडियो में आता आता है,
तो यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। आपको ग्लिच यूज करना है, ग्लिच ज़्यादा बेस्ट लगेगा, ये सब देखिए, ये सब चीज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये बेस्ट लग रहा है, तो आपको ग्लिच ही यूज करना है। आप चाहे तो ये सबको भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम ग्लिच यूज करते हैं जो इफेक्ट लगाना चाहते हैं। इफेक्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो को सेव कर लेना है, जैसे कि हमको ये वाला इफेक्ट लगाना है, उसके बाद इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको खींच के फोटो को बड़ा कर लेना, फोटो को इतना बड़ा कर लेना, उसके बाद टिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे रेजुलेशन और फिर फ्रेम रेट सारा चीज़ नज़र आ जाएगा, इस पर सेव पे क्लिक करेंगे। आपका ये फोटो सेव हो चुका, वीडियो सेव हो चुका। अब आप जाइए इंस्टाग्राम पे, जो सभी साउंड पे लगाना उस साउंड पे आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के आप लोग सीख गए कि मोटिवेशनल वीडियो को किस तरह से एडिट कर सकते हैं और फिर अपना इंस्टाग्राम का पेज पे डाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।